हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके पास एक और मशीन लेकर आया हूँ आयोनिया की। इस मशीन की खासियत यह है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको स्विच ऑन करना है, और बाकी ये पूरा का पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। टच स्क्रीन है सब कुछ। आप जो जो बटन्स आप टच करेंगे टच स्क्रीन में, आपको यहाँ पे स्क्रीन में यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा किस फंक्शन के लिए कौन से लेवल का पानी आपको चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द मशीन ऑन। तो मैंने अभी मशीन को पीछे से ऑन कर दिया। अब जैसे ही मैं मशीन ऑन करूंगा तो यहाँ पे एक डिस्प्ले ऑन हो जाता है। उसके बाद ये एक लीवर दिया गया है, इस लीवर का फंक्शन है आप इसको ऑन कर सकते हैं फुल। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये मशीन सबसे पहले 15 सेकेंड्स का क्लीनिंग प्रोसेस करती है। इस क्लीनिंग प्रोसेस में ये मशीन जो है पानी को तैयार करती है, सो दैट कि आप अलग अलग लेवल्स के पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकें। तो ये 15 सेकेंड्स का है। हाँ, एक और बहुत खासियत है इस लीवर की कि इससे आप पानी की इंटेंसिटी आउटपुट, जो पानी का आउटपुट जो इंटेंसिटी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा ये करते हैं तो पानी कम हो जाएगा, और थोड़ा बढ़ा देते हैं तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी। तो आउटपुट इससे आप पानी का कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है वो है फिल्टर्ड, एसिडिक और एल्कलाइन वाटर। उसके अलावा यहाँ पे वॉइस कमांड्स को कंट्रोल करने के लिए टच स्क्रीन दिया हुआ है। आप चाहें तो वॉइस को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले में वॉइस लेवल 10 दिखा रहा है। अब एल्कलाइन और एसिडिक ये जो दो बटन है इससे आप वॉइस इंक्रीज और कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं एक आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको एसिडिक लेवल में मैं प्रेस कर रहा हूँ, अभी मैंने वॉइस कमांड प्रेस किया और मैं एसिडिक लेवल को ये दबा रहा हूँ तो वॉइस का जो लेवल है ये कम हो रहा है 08 07। अब दोबारा मैं अगर इसको सेलेक्ट कर दूंगा तो मेरा ये 07 जो है वॉइस का लेवल इसमें सेट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपको वॉइस लेवल इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वॉइस में टच करना पड़ेगा, उसके बाद एल्कलाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपका वॉइस लेवल सेट होने के बाद फिर से अगर आप वॉइस बटन को दबा देते हैं तो आपका ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं हम अपने एल्कलाइन लेवल से। तो इसमें जो आउटपुट आपको मिलता है वो एल्कलाइन लेवल 1 से लेवल 4 तक है, और एसिडिक में भी लेवल 1 से लेवल 4 है। उसके अलावा अगर आपको स्पेशली एसिडिक और एल्कलाइन 11.5 पीएच का अगर आपको चाहिए तो ये एक सेपरेट बटन दिया गया हुआ है टच स्क्रीन का। इसको दबा के हम उस तरीके से यहाँ से हम इस आउटपुट से हम इसको ले सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम एल्कलाइन का देख लेते हैं, एल्कलाइन का लेवल 1 कैसे है। तो मैं एल्कलाइन 1 मैंने अभी प्रेस किया है तो आप हमारे स्क्रीन में यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं कि एल्कलाइन का जो लेवल है वो 8.6 पीएच है और ये ड्रिंकेबल पानी है। अगर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए पीने के लिए या और बाकी होम यूज़ के लिए तो आप इसको दोबारा से टच करेंगे तो आपको एल्कलाइन लेवल 2 मिल जाएगा जो 9.3 पीएच का होगा। दोबारा से इसको अगर आप टच करेंगे एल्कलाइन बटन को तो आपके पास एल्कलाइन लेवल 3 का आपको पानी मिल जाएगा, और ये 9.8 पीएच का है जो आप अपने चाय बनाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड एल्कलाइन लेवल 4 जो हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं जो 10.5 पीएच का है। अब देखते हैं एसिडिक का टच स्क्रीन मैंने यहाँ पे किया। अब मेरे पास ऑलरेडी लेवल 4 सिलेक्टेड है तो मैं इसको दोबारा से टच करता हूँ। अब मेरे पास एसिडिक लेवल 1 आ रहा है तो एसिडिक का जो आउटपुट होगा वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। एसिडिक लेवल है वो 6.5 पीएच है। ये हाँ, खासियत बात यह है कि ये पीने के लिए नहीं है, बाकी अदर यूसेजेस के लिए है। इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है तो ऊपर दिए गए लिंक को आप क्लिक करके ये जान सकते हैं कि 6.5 पीएच का जो एसिडिक है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा। ऊपर लिंक मैंने दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके जान सकते हैं। अभी हम लेवल समझ लेते हैं। अब एसिडिक लेवल 2 ये 5.5 पीएच का है। एसिडिक लेवल 3 टच करेंगे हम तो ये 5.2 पीएच का, एंड देन एसिडिक लेवल 4 जो 4.5 पीएच का है। अब जो सबसे खासियत है इस मशीन की वो ये है कि जब आप ये बटन को प्रेस करते हैं तो ये बटन प्रेस करने से क्या है, आपको 11.5 पीएच का पानी मिलेगा जो एसिडिक एल्कलाइन लेवल का होगा। बट वो प्रोसेस होने से पहले ये 35 सेकेंड्स की क्लीनिंग प्रोसेस करता है। तो अभी देख लेते हैं ये कैसे क्लीन कर रहा है। अभी यहाँ पे देखते हैं, अभी ये आपका काउंट डाउन शुरू हो गया है।
क्लीनिंग कर रहा है पूरे मशीन को, और आपको ये साथ साथ ये भी दिखाता रहेगा कि जो पानी का आउटपुट है वो कितना है। अभी इसमें दिखा रहे हैं 2.2 लीटर पर मिनट का जो पानी का आउटपुट फ्लो है वो ये है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब ये तैयार हो चुका है, तो अब हमारे पास जो है वो मैं दिखा देता हूँ, ये सेपरेटली जहाँ से हमें 11.5 पीएच का पानी हमें मिल सकता है, तो ये 11.5 पीएच का अल्कलाइन है। सो मैं इसको ताकि ये स्पिल ना हो, सो ये जो पानी है ये 11.5 पीएच का पानी है। सो इससे रिलेटेड ये किस पर्पस के लिए कैसे इसको यूज़ करना है, मैं ऊपर लिंक मैंने दे दिया है, आप उस लिंक के ज़रिए जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो में इसके पर्पस क्या है, किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे फिल्टर्ड वाटर भी है, तो ये भी जो है बेसिकली ये ड्रिंकिंग के लिए है, जिसमें आपको 7.5 पीएच का पानी मिल जाता है। तो ये वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो टच स्क्रीन है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ही ईजी है, जिससे आप इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और हर एक बटन के फंक्शंस क्या हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हर एक जो एसिडिक और एल्कलाइन के जो लेवल्स हैं उससे रिलेटेड और भी दूसरे वीडियोस दिए बना चुके हैं हम, तो लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के ज़रिए उन वीडियोस से जानकारी ले सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और नई जानकारी लेकर आऊँगा, और सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो मैं आपकी क्वेरीज और इन्फॉर्मेशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।